एमएलए अपनी बहन रेणु बालाजी वह गांव में पहुंच गई है, तो गुरु रविदास जी के जयकारे से स्वागत करेंगे। बोलियो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। तो उनके साथ में अपने गांव से बहन उषा कमल भी और हल्का छोटा से एमएलए बहन रेणु बालाजी और इनकी पूरी की पूरी टीम का हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपनी बहन उषा कमल व हल्का छोटा से एमएलए बहन रेणु बालाजी, तो हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बैठने से पहले कृपया साध संगत के चरणों में विनती है कि पहले मंच पे आने में तो बोलियो जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बोलिए साचे दरबार महाराज जी का जयकारा लगाना है। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। तो जो इंतजार था वो खत्म हुआ और अब मैं दो चार बातें रखना चाहूंगा के जितनी खुशी हमें बहन रेणु बालाजी के यहाँ आने की हुई है उतने हमें निराशा भी है, क्योंकि कल से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि बहन रेणु बालाजी हल्का छिंदवाड़ा के एमएलए हमारे बीच में आएगी, तो थोड़ी हमें निराशा भी है। का कहता हूँ कह जाता हूँ कहत बजाऊं ढोल जो स्वंसा खाली जाता है तीन लोग का मोल, कि जो हमारा समय भजन कीर्तन सत्संग में लगना चाहिए था वो हमारा सारा समय अपनी बहन रेणु बालाजी ने ले लिया और हमारी हाजिरी महाराज जी के दरबार में भी नहीं लगी। तो और जो अपनी उषा कमल बहन है ये भी शाम से नहीं है, कई बार आली कई बार जाली, क्योंकि ये गांव में एक मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का। जब बहन रेणु बालाजी जीती तो पूरे गांव को आज थी कि बहन गांव का अभिनंदन करने के लिए यहां पर पहुंचेगी, लेकिन चलो वो दिन आ गया, जो निराशा हमारे बीच में है वो हमने रखी है। और बहन उषा कमल ने बूथों पे जाकर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है और बहन रेणु बालाजी को जिताया है, तो जो हमारी निराशा थी वो दूर हो गई है। आज ये अपने समाज की बेटी है, अपने समाज की बहन है, एक बार फिर से अपने गांव की तरफ से, अपनी मंदिर कमेटी की ओर से और सभी मंदिर निवासियों की ओर से यहां पहुंचने पर उसका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा बहन उषा कमल जी कि वह अपने संबोधन में दो चार बातें जरूर रखेंगे। बोलियो जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की।
बोलियो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। बहुत ही आदर और सम्मान के योग सढ़ोरा से विधायक बहन रेणुबाला जी, उनके साथ भाई सरवन साहब और भाई बेनीवाल जी, और मेरे समक्ष बैठे सभी गांववासी, मेरी माता बहने, पिता समान बुजुर्ग, प्यारे बच्चे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी बहन का अपने गांव मारवा खुर्द में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। अपनी तरफ से और अपने सभी गांववासियों की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से, सभी की तरफ से मैं उनका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप सभी को श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म दिवस की लख लख बधाई देती हूं। देखिए, जैसा कि हम सभी गांववासी यहां पर 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं बहन का, तो कोई बात नहीं, ये तो समय ही ऐसा है और राजनीति में सब चलता रहता है, क्योंकि गांव बहुत है, कवर करने होते हैं, ये हम भी समझते हैं। तो हम फिर भी, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष ये समस्या रखना चाहूंगी कि जिस हाल में आप बैठे हैं ये अनकम्प्लीट है, और हाँ, मैं आपसे अपील करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप इसको पूरा करवाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने गांव में पहुंचने पर, और उम्मीद भी रखती हूँ कि आप ये काम पूरा करवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो मैं सत्संग की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में मंदिर कमेटी के प्रधान वह भी आए और एमएलए साहब का धन्यवाद करें, और जो इनकी समस्या है वो बहन जी के आगे रखें। बोलिए जी, संत शिरोमणि संत गुरुदास जी महाराज की। तो मैं अपने हल्का सढ़ोरा से विधायक माननीय श्रीमती रेणुबाला जी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। हमारा ये जो लंगर हाल है ये अधूरा पड़ा है। हम पिछले 2.5 साल से इसमें कार्य कर रहे हैं, कभी एक दीवार करते हैं, कभी इसमें इंटर डालते हैं, कभी इसमें हम थोड़ा बहुत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं 2.5 साल से, लेकिन हमारे पास ये कम्प्लीट नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास इसका बजट नहीं है। तो मैं विधायक जी से डिमांड रखना चाहूंगा कि ये कम से कम 11 लाख रुपए हमारे गांव को दें, क्योंकि देखो गांव वालों ने इनको यहां से जिताकर भेजा और चंडीगढ़ विधानसभा में भेजा, तो इसलिए मैं विधायक जी से अपील करता हूं कि वो हमारी इस मांग को पूर्ण करें। धन्यवाद। तो सत्संग की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में पहुंची बहन रेणुबाला जी, जो सढ़ोरा हाल के लिए एमएलए है। अब मैं उससे निवेदन करूंगा कि अपने संबोधन रखें बहन रेणुबाला जी। तालियां। गुरु महाराज जी के जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ज्योति। जय गुरुदेव। और बाबा साहब की भी जय। आज मारवा खुर्द में मेरे साथ पहुंचे रूला खेड़ी से सरपंच भाई जोगेंद्र जी, यहां से बहन उषा कमल जी, और गांव के आदरणीय सम्मानित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, सभी मेरे युवा साथी, मेरे भाई, और यहाँ के कमेटी के सभी मेंबर साहबान, आज कितना सुंदर, पवित्र, कितना खुशी का दिन है। आज मुझे इस गांव में आने का मौका मिला, पहले भी आई हूँ वैसे तो गांव में, लेकिन आज इतना शुभ अवसर है। जब मैं आई तो सबसे पहले तो मैं आप सबको गुरु महाराज जी के 645वें जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गुरु रविदास शक्ति। गुरु रविदास शक्ति।
और हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी एक ऐसे संत समाज सुधारक हुए जिन्होंने सर्व समाज की भलाई के लिए काम किया और सर्व समाज को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। और आज हम लोग इस खुली हवा में सांस अगर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं, तो सब संत श्रोमणि गुरु रविदास महाराज जी और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। मैं तो यही कहूंगी कि जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलकर समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम काम करें ताकि हमारा समाज आगे आए और तरक्की करे। गुरु महाराज जी ने कहा, उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को वन, छोट बड़े सम बसेरा दास रहे पसंद। गुरु महाराज जी ने एक ऐसे राज की एक कल्पना की जिसमें सर्व समाज साथ रहे, सबके पास खाने को वन हो, छत हो, और ये एकजुट होकर जब हमारा समाज एकजुट हो तभी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के हम काम आए, सबकी भलाई के काम करें और इकट्ठे रहे। और ऐसे ही हमारे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे, जो एक ऐसे विद्वान संत, विद्वान योद्धा, मैं कहूंगी कि उनके जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने केवल एक समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए काम किया, सर्व समाज की भलाई के लिए काम किया और एक ऐसा इतिहास रचा जिस इतिहास को हम आज संविधान कहते हैं। और आज संविधान की बदौलत है कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर आज हमें, मैं भी आप ही के समाज से हूँ, आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, अगर यहाँ बोलने का भी मौका मिल रहा है ना, तो किसकी बदौलत? परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत। और बाबा साहब ने तो नारी उत्थान के लिए कितने काम किए, नारी जाति के लिए कितना काम किया, और जो इतनी समाज में फैली कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर किया और अपना सारा जीवन समाज की भलाई के लिए लगाया। तो मैं तो अपने आप भी और आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि जो हमारे संत महापुरुष हुए उनके बताए रास्ते पर चले और रास्ते पर चलकर अपने जीवन को, अपने समाज को और उसको ज्यादा से ज्यादा तरक्की के लिए आगे लेके आए। और रही आप लोगों की डिमांड्स की बात, क्यों मैं आपको बताऊं पहले, तो क्योंकि हमें सवा दो साल हुए बने हुए विधायक चुनते, तो ये इस टाइम में अभी तक सरकार ने कोई ग्रांट नहीं दी थी कि आपको अभी हमें पैसा नहीं मिला या ग्रांट नहीं मिली या कुछ भी, लेकिन मुशक्कत करने के बाद हम पैसा लेके आए थोड़ा बहुत। वो जो पहले की डिमांड्स दी हुई थी वो गांव में मैंने पैसे भिजवाए, और आपकी जो डिमांड्स है जो हॉल का कह रहे हो आप, तो आप लोगों से यही कहूंगी कि जब भी पैसा आता है सरकार की तरफ से, चाहे वो अप्रैल में आए, चाहे वो मई में आए, चाहे वो जून में आए, तो आप लोगों का पैसा आने पे आप लोगों का जो काम है, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं, और जब भी सरकार की तरफ से पैसा आता है तो आप लोगों का जो भी काम है उसको पूरा करवाने का जल्द से जल्द पूरा प्रयास करूंगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे भाई ने नाराजगी भी जताई क्योंकि अपने ही नाराजगी जताते हैं, दूसरा तो कौन कहता है। तो मेरे को इनकी बात का बुरा नहीं लगा, गुरु महाराज जी का एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी का ये जो जन्म दिहाड़ा है, हर साल हर सबके जीवन में ऐसी खुशियां लेके आए, और गुरु महाराज जी का जन्मदिन हम ऐसे ही खुशियां के साथ मनाते रहे, और गुरु महाराज जी सबके जीवन में अपना आशीर्वाद रखे और खुशियां बटोरे। तो आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। धन्यवाद। तो मैं सत्संग की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो अपने डॉक्टर साहब हैं,
कमेटी मेंबर अपने प्रधान जी गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, बोलियो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। तो बोलियो जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, बोल सच्चे दरबार की।